हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे बेल वाले पौधे बताने वाली हूँ जो छोटे गमले में बहुत ही आसानी से बरसात में चल जाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये कटिंग से भी बरसात में लगाए जा सकते हैं और छोटे गमले में भी ये ढेरों फूल देने वाली बेलें होती हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर पहली बार है तो फॉलो ज़रूर करिएगा। ये बरसात की बेलें होती हैं, इन्हें बरसात में लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है अगर कटिंग से भी आप लगा लेते हैं। कुछ ऐसी बेलें हैं जिन्हें सीड से भी बो सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। और आप नर्सरी में जाएंगे तो चारों तरफ आपको इनके प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे, तो नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। सबसे पहली बेल है जो कि इसका नाम है आलमांडा और बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली बेल होती है। इसका फ्लावर बिल्कुल प्लास्टिक के तरह दिखता है, कई सारे कलर्स इसमें आते हैं। छोटे गमले में बहुत ही आसानी से चल जाती है और बरसात में इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है। इसकी केयर टिप्स के बारे में बात कर लेती हूँ तो इसे हमेशा ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ थोड़ा सा सेमी सेड एरिया हो, मतलब यहाँ जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आती हो, पूरे दिन की सनलाइट ना आती हो, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। और बरसात का महीना आते ही इसकी ग्रोथ दोगुना हो जाती है और बहुत अच्छे फूल आते हैं। तो इसे आप ज़रूर लगाएं इस बरसात के सीज़न में। अगली जो फूलों वाली बेल है वो है मांडविला और इसको भी लोग गमले में लगाना का बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही सुंदर फूलों वाली बेल होती है। अगर आप इसको कोई शेप दे देंगे तो चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं इस बेल में, और एक साथ गुच्छों में इसमें कलियां आती हैं तो बहुत सुंदर फूलों वाली बेल होती है। कई सारे कलर्स होते हैं, लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद, कई सारे कलर्स में आपको ये नर्सरी में मिल जाएगी। अगर इसकी आपको कटिंग मिल जाती है तो कटिंग भी लाकर आप लगा सकते हैं। इसकी भी ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखनी चाहिए, इसे भी आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे केवल मॉर्निंग की सनलाइट आती हो, या 2 या 3 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी रहती है। और इसके प्लांट में हमेशा नमी बनाए रखें, मिट्टी को सूखने ना दें। तो ये भी एक बरसात की बहुत ही सुंदर बेल है, इसे भी आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। इस बेल का नाम मंडविला बेल है और ये परमानेंट बेल होती है और सर्दियों में ये थोड़ी ग्रोथ कम कर देती है, तो इसकी प्रूनिंग कर दे। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, बरसात आती है, ये अपनी ग्रोथ दुगनी कर देती है और बहुत सारे फूल देना स्टार्ट कर देती है। अगली जो बेल वाला पौधा है बरसात में, आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये है अपराजिता का पौधा और ये भी एक बेल नुमा पौधा होता है। ये भी सेमी शेड एरिया में ही चलता है, इसको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखा जाता है। बहुत ही इजीली ये सीड से ग्रो हो जाती है। एक बार अगर आप ये पौधा लगा लेंगे तो हर बार आप इसे सीड से सीजन आते ही ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पौधा है तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सर्दियों में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और फिर से हरा भरा हो जाता है और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो ये हर तरीके से लगाया जा सकता है प्लांट, और इसको आप बरसात में भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही शुभ फूलों वाला पौधा होता है और इसमें कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। अगला पौधा है कृष्ण कमल बेल का फूल और इसको राखी फूल भी बोला जाता है। बहुत ही सुंदर फूलों वाली बेल होती है, ये बहुत ही शुभ फूलों वाली बेल होती है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। ये बेल काफ़ी शुभ होती है इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है, आपको 100 के ऊपर ही इसका प्राइस मिलेगा नर्सरी में। और अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इनके सीड भी बनते हैं और उसमें फल भी निकलता है। तो सीड अगर मिल जाते हैं तो सीड भी आप बरसात में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और कई सारे रंगों में ये बेल आती है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं। ये बेल भी छोटे गमले में बहुत ही आसानी से फैलती है। इस बेल को भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कम धूप में आप रखेंगे तब भी ये बहुत ही आसानी से चलेगी और बहुत सुंदर फूलों वाली बेल होती है। अगला जो फूलों वाला पौधा है बेल नुमा और ये है स्टार वाइन। बहुत ही सुंदर फूलों वाली बेल होती है, इनकी पत्तियाँ फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो इन्हें आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इनके सीड बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं और ये नर्सरी में भी आपको मिल जाएंगी। बहुत ही छोटे गमले में बहुत ही आसानी से ये बेल चल जाती है और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे छोटे छोटे से, और इसमें कई सारे कलर भी अवेलेबल हैं। और एक बार अगर आप इन्हें सीड से उगा लेते हैं बरसात के महीने में, तो हर बार इनके सीड कलेक्ट करके इन्हें हर सीजन में उगा सकते हैं। तो बस एक ही बार लाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार इसे लाना नहीं पड़ता है। बहुत ही सस्ते दामों में आपको नर्सरी में मिल जाएगी। ये बेल नुमा पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है।
इनके जो बीज होते हैं वो काले कलर के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और ये कई सारे रंगों में आपको नर्सरी में मिल जाएगी, तो इसे भी आप बरसात में लगा सकते हैं। अगला जो बेलनुमा पौधा है टिकोमा बेल, ये भी छोटे गमले में बहुत ही आसानी से चलती है, और इस समय नर्सरी में आपको इनकी ड्रॉप वैरायटी भी मिल जाएगी। जो बेलनुमा पौधा है होता है और उसमें थोड़े से बड़े बड़े फूल आते हैं, लेकिन जो ड्रॉप वैरायटी इस समय नर्सरी में आई है उसमें बहुत ही छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसकी एक देसी वैरायटी भी आती है, उसमें ऑरेंज कलर का फूल आता है, लेकिन जो इस समय ड्रॉप वैरायटीज़ आई हैं उसमें कई सारे कलर आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, येलो मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा और रेड भी अवेलेबल है, तो इसे भी आप ला सकते हैं। ये भी 100 से 150 की रेंज में आपको मिल जाएगी, तो आप इसे बरसात में लगाइए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है और बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं इस बेल में। इस बेल को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली बरसात में इसकी कटिंग चल जाती है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, तो इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, बरसात आती है, वैसे ही इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट कर देती है और बरसात में ये बेल पूरी तरह से फूलों से भर जाती है, तो इस बेल को आप बरसात में लगा सकते हैं छोटे गमले में। बहुत ही ईजिली चलने वाली बेल होती है, नर्सरी में भी आपको मिल जाएगी, तो नर्सरी से लाकर इस बेल को भी आप लगा सकते हैं, इसको टिकोमा बोलते हैं। अगला जो बेलनुमा पौधा है जो सीड से उगाया जाता है और बहुत ही सुंदर बेल होती है, हार्ट शेप इसकी लीव्स होती हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, ये है मॉर्निंग ग्लोरी का। इसको बरसात में बहुत ही इजी तरीके से उगाया जाता है, 4-5 दिन में ही इसके पौधे निकल कर बाहर आ जाते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए इस बरसात के सीज़न में। और जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाए तो इनके बीजों को इकट्ठा कर लीजिए और फिर अगले सीज़न में आप इन्हें फिर से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो इस बेल को लगाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इस सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं ये बेलें। इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी है और इसकी खास बात ये होती है कि सुबह जब इसके फूल खिलते हैं तो 9 बजे से पहले इसके फूल मुरझा भी जाते हैं, तो इसे ज़्यादा तेज़ धूप वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर केवल 1 या 2 घंटे की सनलाइट आए, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से चलती है। खास बात ये होती है कि जब आप इसे बीजों से ग्रो करते हैं तो कुछ ही दिनों में ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देती है, तो छोटी बेल में ही इसमें बहुत सारे फूल खिलना स्टार्ट कर देते हैं और ये छोटे गमले में बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो ये तो हुई छोटे गमले में बरसात में कटिंग और बीजों से लगाई जाने वाली सुंदर बेलें जो बरसात में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हैं, तो इन्हें आप ज़रूर लगाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर।